स्टेज है, पुलिस ने अगर ये कहा है कि कोई मार्क्स नहीं है या कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है तो ये गलत बात की है। अगर उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, वो किसी एक्यूज को इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते, उनको अपनी इंक्वायरी कम्प्लीट करनी होगी। अगर वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं है तो हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम कोर्ट में प्रूव करेंगे कि मार्क्स थे या नहीं थे। उन्होंने इस पार्ट को भी नजरअंदाज कर दिया है कि प्रत्युषा और राहुल के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, वो अपनी तरफ से राहुल का केस लड़ रहे हैं, जो बहुत गलत है क्योंकि विटनेसेस हैं हमारे पास जो बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएगी अगर पुलिस सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उनके फ्रेंड्स जो दिन रात उनके साथ बात करते थे, जो उठते बैठते थे, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी और एविडेंस मांगेगी तो उस वक्त पे वो प्रोड्यूस की जाएगी। अगर ये कह रही है पुलिस इस स्टेज पे कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो गलत बात है। अगर पुलिस ने, बांगोर नगर पुलिस ने ठीक तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो इनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैटर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे और इस मैटर को लॉजिकल एंड पे लाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिनाई नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर। ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से अगर होगा तो सारी चीजों का खुलासा होगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है? देखिए, हमें मालूम ही नहीं ये सुसाइड है या मर्डर है। प्रॉब्लम इश्यूज कहाँ से आ रही हैं? एक मिनट, इश्यूज कहाँ से आ रही हैं? जहाँ उन्होंने बोला उन्होंने हैंग करते हुए प्रत्युषा को पाया और उसके बाद उनकी बॉडी लेकर वो पहुंचे हॉस्पिटल, और अगर वो हैंग थी तो उनकी नाक पे निशान नहीं होना चाहिए था, एक बहुत ही लॉजिक थी। उनका पूरा चेहरा स्वेल्ड आउट हो रखा था जिसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे। मैं और आई थिंक मकरान और दो तीन लोग पहुंचे थे और वो बाहर बैठ के चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि वो टिकट्स कराने जा रहे हैं उनकी मम्मी और डैडी के, और वो वहां से भाग गए और गायब हो गए। बॉडी की कस्टडी राहुल ने ली थी। अगर वो बाहर था तो उसने पुलिस को बुलाना चाहिए था, पंचनामा करवाना चाहिए था, वहाँ पे सुसाइड नोट थी या नहीं थी, उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, किसी के कहने पे हम नहीं जा सकते हैं। पुलिस को इसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ सुसाइड नोट होगी, राहुल के अलावा और कोई था नहीं वहाँ पे, कोई अंदर गया नहीं था, हम तो वहाँ थे नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो पुलिस कर सकती, हम नहीं कर सकते। और अगर सुसाइड नोट नहीं है, इज आर इश्यू फॉर अस, बिकॉज जो इंसान एक रात पहले फोन करके बोलती है आई वांट टू फाइट बैक, आई डोंट वांट टू बी इनटू अ सिचुएशन वेयर आई हैव कॉट, अगर वो सुसाइड करने जाएगी तो आपको नहीं लगता वो किसी को मैसेज करके या कहीं लिख कर जाएगी कि मैं क्यों जा रही हूँ? किसने देखा है कि उन्होंने अपने आप को हैंग किया? एक 5 फुट 2 इंच की लड़की कैसे पंखे पर रस्सी को टांगेगी और कैसे अपने आप को लटकाएगी? 10.5 का आई थिंक एग्जैक्टली। मैं भी यहाँ खड़े रहकर टच नहीं कर सकती, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मैं भी अगर कोशिश करूँ तो मैं जो भी उसने किया सब कुछ किया, तो ये किसी ने नहीं देखा है कि वो उसने अपने आप को हैंग किया था। ये वो बात है जो राहुल राज सिंह कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हमें नहीं पता। ये वही राहुल राज सिंह है जो गायब हो गए थे। Exactly. मैं वहाँ 1 घंटे अकेले डेड बॉडी के साथ बैठा रहा प्रत्युषा की, कि कोई आएगा ताकि मैं बाहर निकल के फोन कर सकूं, चीजें कर सकूं। हॉस्पिटल में फोन अलाउड नहीं होते हैं। फिर मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल ने ऑलरेडी फोन कर दिया है पुलिस को, और राहुल राज सिंह पूरी रात गायब थे। उन्होंने कहा उन्हें डर लगा था, दोस्तों से डर लगा था। वो उस समय छोड़ के चले गए थे जब कोई दोस्त आया नहीं था, 2 लोग थे वहां पर, और हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या प्रत्युषा को, और वो वहां से गायब हो गए थे। उनका फोन बंद हो गया था, बाद में उन्होंने बताया उनका सिम कार्ड गिर गया नीचे, फिर उन्हें सिम कार्ड वापस मिल गया। मतलब ऐसी कहानियां बताई गई थी जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता। पुलिस को बताया है कि वो डर गए थे। हाँ, इसके बाद किससे डर गए थे? मतलब अगर वो सही है, अगर वो गिल्टी नहीं है, अगर वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें किस बात का डर? उन्हें किससे डर फिर? बिल्कुल, जो प्यार करता है वो तो वहीं पे रहेगा। अरे, उनकी रिलेशनशिप इतनी हंकी डोरी थी, वो तो बोल रहे इतनी परफेक्ट रिलेशनशिप थी। अगर वो शादी करना चाह रहे थे तो उनकी दोनों भाई दुल्हन मर चुकी थी। और अगले फ्यूनरल पे नहीं आए होंगे, पुलिस ने रखा होगा उनको, जो भी प्राइम सस्पेक्ट होंगे, जो भी होगा। पर अगर एक इंसान जो बोल रहा है हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट थी, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, 1 महीने में 1.5 महीने में शादी करने वाले थे, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसे मरी हुई मिलती है, तो क्या आप डर के भाग जाओगे या पता करोगे कि क्यों मारा उसको किसी ने या वो क्यों मर गई? वो सब छोड़ के वो वहां से भाग जाते हैं, और फिर वो आते हैं उसके बाद, और उनकी कार मिलती है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के नीचे, जिन्होंने लोगों ने देखा हुआ है। आई थिंक किसी न्यूज चैनल के पास फुटेज है, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, हमें नहीं मालूम। वी आर नॉट डिटेक्टिव्स, वी आर नॉट पीपल हु आर पुलिस पीपल,
वी ओनली आर टॉकिंग जो सेंस होता है, जो समझ में आता है, जो हमें दिख रहा है. निशान पड़े हुए हैं एक लड़की के चेहरे पे. अगर अगर वो अपने आप को फांसी लगाती है तो उसकी नाक पे और गाल पे निशान नहीं पड़ते हैं. वो क्यों पड़े हैं हमें नहीं मालूम. लड़का क्यों भाग जाता है छोड़ के लड़की की डेड बॉडी और फिर नेक्स्ट डे आता है. और प्रतीक्षा का फोन भी उसके पास नहीं है. उसका फोन बचता है नहीं बचता है. उनके दूसरे का फोन बंद हो जाता है. उसका फोन बंद नहीं होता. देयर आर वे टू मेनी आई थिंक प्रॉब्लम्स. आफ्टर हर सुसाइड आल्सो उसका फोन ऑन था लेकिन राहुल का फोन बंद था. राहुल का वही बुरा गायब हो गया था फोन बंद करके. लेकिन और उन्होंने कहा कि वो उनके माँ बाप के टिकट्स कराने के लिए जा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली कोई टिकट्स हुए नहीं. उसके 3 घंटे के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स ने उनकी मम्मी और डैडी के टिकट्स कराए. और उनके मॉम और डैड के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग पैसे लेने का, उनके पास इस तरह के फाइनेंसिस भी नहीं कि वो फ्लाइट के टिकट्स करा के आ जाते हैं. इस तरह का था नहीं. वो कतप हो गई थी अपने मॉम डैड से और पिछले 1 साल से वो राहुल के साथ फाइनेंशियली इमोशनली मेंटली कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी. सो देयर दो चीजें जो इसकी प्रत्युषा की स्टाइलिस्ट है डॉली उससे पता चली है कि पहली चीज राहुल हमेशा प्रत्युषा का ही एटीएम कार्ड यूज करता था और उस पर डिपेंडेंट था. सेकेंडली आपने बोला कि रात को आपकी उनसे बात हुई थी तो प्रेगनेंसी को लेके जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक सही है. मैं देखिए हमें मालूम ही नहीं. वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी वो इन्फॉर्म करेगी. लेकिन कैन आई जस्ट टेल यू अगर प्रत्युषा बैनर्जी प्रेग्नेंट होती तो चाहे किसी की हिम्मत भी हो जाती तो उसे मार नहीं सकते थे. वो जिंदा होती क्योंकि वो इतना चाहती थी माँ बनना कि वो किसी के लिए भी कर सकती. प्रत्युषा ने ये कहा था कि राहुल मुझ पर चीट कर रहा है. ऐसा उसने कहा था एक बार मुझसे कहा था कुछ दिनों पहले ही कहा था कि राहुल मुझे चीट कर रहा है मैं क्या करूँ. और मैं दिल्ली में थी मैंने कहा मैं वापस आती हूँ और फिर हम इस बारे में बात करते हैं. बट तब तक अपने आप को ठीक रखना और रिलैक्स हो जा. वी विल फाइंड अ वे आउट. ये मेरी उससे बात हुई थी और मैंने कहा था मैं 4 तारीख को आ रही हूं और हम बैठ के बात करेंगे. आधी चीजें लोग बोल रहे पुलिस ने ये बोला पुलिस. मुझे नहीं लगता पुलिस ने ऐसी उल्टपटांग चीजें बोली है क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रॉपरली आई नहीं है. तो अगर आधे लोग बोले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये निकला है कि शी वाज अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी, आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग बिकॉज एवरीवन एंड एनीवन इज पिकिंग अप एंड सेइंग एनीथिंग विद पुलिस नेम. पुलिस ऑल्सो नोज देयर जॉब. दे आर डूइंग आई एम होपिंग दे विल गो अहेड एंड डू द राइट काइंड ऑफ जॉब व्हाट इज हैपनिंग. बट वी वुड रियली लाइक कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज ना पीछे छोड़ी जाए और हर आंसर्स मिलने चाहिए. जो लीना ने बताया उसके हिसाब से ये था कि उसको सलोनी के वजह से उन्हें ये लगने लगा था. और जो काम्या को उन्होंने बोला था कि ही वॉज चीटिंग ऑन हर, शी वॉज इन अ मेस ऑफ अ रिलेशनशिप. एक लड़की आती है जो रात के 3 बजे दरवाजे खटखटाती है, चीखती है, गालियां देती है, कभी रास्ते में पकड़ लेती है, धक्का दे देती है. एक ऐसा लड़का जिसके साथ आप हो, जिसने आपको भरी पार्टी में सबके सामने थप्पड़ खींच के मारा है. प्राइवेटली वो क्या करता है हमें नहीं मालूम क्योंकि हम घर के अंदर थे नहीं. बट पब्लिकली ही हैज स्लैप्ड प्रत्युषा. सो शी वॉज इन अ रिलेशनशिप जिससे वो बाहर निकलना इसलिए नहीं चाहती थी एक टाइम तक क्योंकि उसे लगता था चीट नहीं कर रहा. लेकिन कैसा भी है मुझे इसको निभाना है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पीपल टू थिंक आई वॉज इन अ रिलेशनशिप एंड आई एम गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप. Most of the time, girls just wanted to somehow work. Basically, वो इस relationship पे give up नहीं करना चाहती थी. वो चाहती थी कि चीजें work out हो. राहुल की बहुत सारी गलतियों के बावजूद वो कहती थी कि नहीं वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा. और जिस तरीके से सलोनी टॉर्चर करती थी ऐसा लगता था कि टाइम कोऑर्डिनेटेड है. ऐसा लगता था कि जैसे राहुल सलोनी को ये कहता था कि अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, अब तुम आके इसको टॉर्चर करो. और जब वो आती थी और प्रत्युषा जब राहुल को फोन करके कहती थी कि सलोनी आई है और वो मुझे परेशान कर रही है तो वो कहता था मैं आता हूँ और वो आता नहीं था. उसका फोन 2-3 घंटे तक बंद हो जाता था. ये कम्युनिकेशन प्रत्युषा ने खुद काम्या से स्पेसिफिकली मेंशन करके कहा था कि उसे ऐसा लगता है. लेकिन जब प्रत्युषा को ये श्योर होने लगा कि शी इज बीइंग चीटेड ऑन इज द टाइम व्हेन शी टोटली कुड नॉट गिव, मतलब उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे, इज अ टाइम व्हेन उन्होंने लीना को बोला मुझे हेल्प चाहिए, मैं फाइट बैक करना चाहती हूँ, मैं इससे निकलना चाहती हूँ. एक रात पहले उनकी लाइंस थी शी वॉन्ट्स टू फाइट बैक, शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दिस. That we would not know. ये हमें नहीं मालूम. उन्होंने नोटिस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, फालतू ये नोटिस की बात नहीं. उन्होंने एक लॉयर को फोन किया है. वो लॉयर आई थिंक इन फ्रंट ऑफ पुलिस पहुंच जाएंगी, जिनको उन्होंने ये कहा है कि आप प्लीज मुझे मिले, मुझे लीगल हेल्प चाहिए राहुल के अगेंस्ट. उन्होंने ये
स्पेसिफिकली कॉल किया है. सो वो जो जो भी है वो लॉयर वो विल गो इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, वो एक्सप्लेन कर देंगे ये फोन उनके पास आया था और प्रतिशा बैनर्जी ने फोन किया था. ये कुछ आई थिंक 10 दिन पहले की बात है या कितने, 10 डेज. हाँ सो 10 डेज बैक दैट फोन भी रिकॉर्ड हुआ. अच्छा काम है, आपने कहा कि सलोनी टॉर्चर कर दी थी प्रतीक्षा को, तो लेकिन उसने उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की या फिर चाहे तो कोई एक्शन ले सकती थी, तो ये चुप्पी किस बात की? क्योंकि मैंने जैसे ये कहा कि क्योंकि प्रत्युषा इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और सब ठीक हो जाए. उसे ऐसा लगता था कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा. लेकिन अभी तीन चार दिन पहले जब उसने मुझे कॉल किया था और क्योंकि मैं दिल्ली में थी, मैंने उसे कहा कि मैं आ जाऊंगी और हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, तभी उसने ये कहा कि अब मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, आई नीड हेल्प. और मैंने कहा था बच्चे टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ, हम 4 तारीख को बैठ के बात करेंगे, तब तक तू बस ठीक रहे, मन करता है तो मेरे घर जाके रह ले. उसने बोला नहीं मैं तब तक यहीं पे और मैं ठीक हूँ और आप टेंशन मत लेना. और उसने जो एक रात पहले जो कॉल किया था, क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने लीना को किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं दिल्ली में हूँ और उस वक्त वो मुझसे शायद इस बारे में कोई बात नहीं कर पाती थी, वो ऑलरेडी मुझसे बात कर चुकी थी, तो वो वेट कर रही थी 4 तारीख का, मैं जानती थी वो मेरा जरूर वेट करती, और इसलिए उसने लीना को कॉल किया था. और उसके लास्ट वर्ड लीना को यही थे कि आई वॉन्ट टू फाइट बैक, प्लीज. मैं ये सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फाइट बैक करना चाहती थी, इस गंदे रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, अपनी जिंदगी इस दुनिया से नहीं निकलना चाहती थी. आप लोग बोल रहे प्रत्युषा को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, क्या राहुल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, इस पर की कोई जानकारी आप लोगों के पास है? सी राहुल के फाइनेंसिस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, हाँ, बट उनके हैबिट्स पे, उनका पास्ट अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके ऊपर पहले कई केसेस हो चुके हैं. दिस इज जो मुझे डिटेल्स अभी लीना बता रही थी. लीना बाय द वे राहुल की राखी सिस्टर रह चुकी है, इस वजह से लीना प्रत्युषा की फ्रेंड बनी थी, बट एज कम्युनिकेशन हैपेंड शी बिकेम मोर क्लोजर टू प्रत्युषा एंड स्टार्टेड लेटिंग अस नो मोर डिटेल्स. सो देयर हैव बीन अदर केसेस जहां पर राहुल के ऊपर लड़कियों ने इल्जाम लगाए हैं, जहां पर उन्होंने उनसे भी पैसे जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होते थे उनसे पैसे निकलवा लिया करते थे. ये चीजें हुई हैं, अगेन ये फैक्ट्स हैं. हम में से कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं बोलना चाहता जो फैक्ट्स ना हो, इसलिए हम नहीं बोल रहे कि उन्होंने प्राइवेट में प्रत्युषा पे हाथ उठाया नहीं उठाया, लेकिन पब्लिक में हाँ उन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि किसी ने देखा है ये हुआ है. जो इंसान पब्लिकली हाथ उठाता है अपनी फियांसे के ऊपर, वो प्राइवेट में क्या करता होगा, वी डू नॉट नो. मे बी बहुत प्यार से रखता होगा, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. दैट इज पुलिस वर्क टू डू, लेट देम डू द व्हाट द जॉब दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग. एक रात पहले कोई पार्टी थी, पार्टी का जिक्र हुआ है राहुल की तरफ से और पुलिस भी उसे कॉरोबोरेट कर रही है. क्या आप लोगों ने पता किया कि वो व्यक्ति कौन थी, वो लड़की कौन थी जिससे पार्टी हुई थी, और चर्च क्यों गए थे और फिर बाद में घर आए? क्या हम जानते हैं कि वो एक्चुअली चर्च गए थे? ये तो वही सारी बातें हैं जो राहुल बता रहा है. क्या हमें क्या पता कि वो चर्च में गए थे या वो फिर वो प्रत्युषा के साथ में ही थे या फिर उन दोनों में लड़ाई चल रही थी, वो क्या हो रहा था? ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है कि वो एक्चुअली घर से बाहर गए थे या नहीं गए थे. अगर वो कहते हैं कि वो दोपहर में फिर बाहर गए थे और लंच लेने के लिए गए थे, तो लंच लेकर 12 बजे जो आदमी गया वो 5 बजे आएगा घर पे वापस. ये भी बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी है. स्टेटमेंट दिया है और सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक लेडी 50 लेडी को लेकर बाहर छोड़ने की तरफ जा रहे हैं. ये सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है. तो क्या आप लोग जानते हैं कि वो लड़की कौन थी, ऐसा कोई जिक्र आपने या जहाँ कोई आपने कभी कोई जैज नाम की लड़की का नाम समथिंग कोई सुना चर्चा है? हम जानते नहीं है ये बात. जो हम नहीं जानते वो हम बोला नहीं सवाल का जवाब होता तो हमें पूरा रिजल्ट निकाल. एक्चुअली सो आई थिंक दैट पुलिस विल बी बेटर देयर. वी आर गोइंग टू टेल यू द फैक्ट्स दैट वी नो ऑफ सो दैट इट कैन हेल्प द पुलिस, इट कैन हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रत्युषा बनर्जी वाज एंड दे शुड नॉट बी डूइंग दिस व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द एंटायर मीडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई थिंक द रिक्वेस्ट इज रियली कि जिस तरह से भी हैंडल किया जाए उसे बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाए इस पूरे के पूरे केस को. फैमिली अबटमेंट का चार्ज प्रेस करने वाली है क्या? क्या कहा है आपने? एक लड़की का सो थिंक अबाउट इट, एक अगर फैमिली करे या ना करे वो तो एनीवेज करने वाली है, लेकिन एक लड़की जो कि बहुत वेल टू डू है इन हर लाइफ, शी इज वेरी हैप्पीली अपेरेंटली इन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग नाउ एंड शी कमिट सुसाइड. देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर हर सुसाइड. सो अगेन प्लीज जस्ट क्लैरिफाई दिस, देयर इज नो प्रेगनेंसी थिंग दैट हैज बीन पुट ऑन टू इट. अभी जो डेथ सर्टिफिकेट आया है उसमें क्लियरली मेंशन है उनकी दम घुटने से मौत हुई है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी. तो ऐसी ऊट पटांग चीजें प्लीज ना दिखाएं ताकि किसी लड़की की रेपुटेशन पे वैसे भी आप स्ट्रेस मार रहे हैं. आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड. सर एक सवाल और है, अभी राहुल हॉस्पिटलाइज है, उनको
यार अगेन हमने कहा ना हमें जो फैक्ट्स मालूम ही नहीं होंगे तो हमें नहीं मालूम ना हम क्या बोले उनसे. अगर वो इतने स्ट्रेस्ड हैं वो ऐसे रो रहे हैं और उनको स्ट्रेस हो गया होगा बेहोश हो गए होंगे तो चले गए होंगे हॉस्पिटल. मतलब हॉस्पिटल में भर्ती तब होता है इंसान जब वो ऑलमोस्ट उस सिचुएशन में स्ट्रेस की वजह से भर्ती नहीं होते दवाई खा के वापस जा सकते. पर एनीवेज हम लोग को उसमें नहीं घुसना बिकॉज हम जो चीज़ें हमें नहीं मालूम वो हम नहीं बोलना चाहते. जो चीज़ें हमें मालूम है फॉर श्योर हम बोलना चाहते हैं वो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट जस्टिस फॉर प्रत्युषा बैनर्जी. Just a request, take, you know, किसी की जान गई है. I don't want everyone to take advantage of the situation. और जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है. जो लोग प्रत्युषा को जानते भी नहीं है, they are claiming that they know Pratyusha so well. और उसपे इल्जाम लग रहा है कि she was in depression, she didn't have money. I think जो उसकी एज थी, I think उसने जितना कमाया है, I don't think कोई इतना कमा सकता है. She did बालिका वधू for so long, Big Boss, then she did सोनी का शो, देन पावर कपल. वो लड़की कभी बैठी नहीं. हाउ कैन समबडी से दैट शी वाज अंडर फाइनेंशियल क्राइसिस. कैन एनीवन टेल मी हु इज राहुल? हाउ कम ही हैज सो मच मनी? प्रत्युषा विल बी डिपेंडेंट ऑन राहुल फॉर मनी? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक शी हैज मेड नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग. एंड जो उसके क्लोज है वो सब जानते हैं दैट शी वाज नॉट वेरी वेरी एंबिशियस. ऑल शी वांटेड वाज हैप्पीनेस, अ पीसफुल लाइफ, खुशी जो हर लड़की चाहती है, और शादी जो अगेन हर लड़की चाहती है. और अगर वो चाहे, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. एंड अगर कोई भी बुरे फेज में होता है लाइफ में, आई थिंक जब मैं अपनी लाइफ की बुरी फेज में थी, व्हेन प्रत्युषा वाज देयर, शी टोल्ड मी दैट अदा इट्स ओके, होता है लाइफ में, ऐसे पीपल आर लाइक दैट, मूव ऑन, बी स्ट्रांग. अगर वो मुझे हिम्मत दे सकती है, आई डोंट थिंक उसकी हिम्मत कभी टूट सकती है. सो प्लीज यू नो, एक जो चला गया है दुनिया से उसके बारे में झूठी खबरें ना फैलाओ. जस्ट यू नो, जस्ट रिस्पेक्ट प्रत्युषा फॉर हु शी इज. उसने जो इतनी छोटी उम्र में नाम कमाया, प्लीज रिस्पेक्ट हर. और जो लोग उसे नहीं जानते, प्लीज डोंट पास कमेंट्स जस्ट लाइक दैट. अच्छा, यहाँ पर पुलिस ने अभी तक, अभी हमारी